वाहे गुरु जी की फतेह। तेरा किया मीठा ना कह, हर नाम पदार्थ नानक मन। इन्हां बचना नूं प्रकाश संसार दे सन्मुख बरपा के विखाउण वाले गुरु अर्जन दे पातशाह शहीदां दे सरताज ने, जिन्हां दा पावन शहीदी दा पाप ते दिहाड़ा है, देशां विदेशां परदेसां जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख बजे, अपनी अपनी भावना हैसियत दे नाल सामने उस महान शहादत नमन कीता है, नमस्कार कीती है। आप जी भी वक्त वक्त अस्थाना ते जुड़ के इस अस्थान ते भी इस पावन दिन नूं मना रहे हो। गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते क्यों गए? चंदू की धी का रिश्ता नहीं लिया, सिर्फ इस करके तत्ती तवी से गए, एक इंसाफ नहीं है। यह तो दुनियावी गल है, छोटिया छोटिया गलों से वड़िया वड़िया शहादत गुरु नहीं देते। सतगुरां की शहादत के मुख छे कारण ने बटे, जिन्हां दे विचों सतवां छोटा जिहा कारण है चंदू दी बाणी। उन्हां दा है चंदू बाणी, बहुत वड्डा अपराध कीता है पर इस शहादत के पिछे चंदू नहीं है, उहदी अपराधी है, उहदे ते पाप कीता है। पर जे वेख्या जाए कि शहादत का कारण कितने चंदू पापी सी, ते बहुत वड्डी बेइंसाफी है ते अपनी मूर्खता है। जदों गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठे, जे आखिए भी मुसलमाना ने तत्ती तवी ते बिठाया है, ये भी गलत है। ते साईनिया मीर कौन ने? मुसलमान ने। गुरु अर्जन देव पातशाह तत्तियां तवियां ते बिठाउण वाले मुगल लोग ने, मुगल। इहदी शुरुआत बड़े लंबे समय तो हो गई। शुरुआत का पहला दौर मंझ प्यारा गुरु नूं गुरु मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहे था जग लंघण था। पिंड तंगमई के रहण वाले भाई मंझ जो सखी सरबर दे पुजारी, बहुत वड्डा मत सी सखी सरबर दा, सब तो वड्डा धक्का लग्या जदों भाई मंझ सारा कुछ छड के मरन को लग गया। कहिंदा जी सिक्खी दे दिओ, सतगुरु कहिंदे सिक्खी ते सिक्खी टकाई जा सकदी, इट ते इट रखी जा सकदी है, भांडे ते भांडा रखिया जा सकदा, सिक्खी ते सिक्खी थोड़ा। जिस भाई मंझ नूं सतगुरां ने कह के खाली मोड़ता भी सिक्खी ते सिक्खी ही रखी जानी, उस गुरु दे सिख गुरु ग्रंथ साहिब नूं भी मत्था टेकदे ते कबरां नूं भी पूजण नहीं हटदे। असीं चक्की फिरदे हां सारा कुछ, बेशक दुनियावी पद्धर से बड़ी बदनामी झलनी पई, भाई मन गावं मझां पशु मर गए, पिंड की चौगरता चली गई, समाज वैरी हो गया,
पर जितन भाई मंझ सखी सर परमात्म छड़ के गुरु अर्जन देव पातशाह के चरणों में आया ना हजारा लखा की गिणती में ही पैरोकार गुरु अर्जन देव पातशाह के चरणों में जुड़ गए। सखी सर परमात्म बहुत वड्डी ढाल लगी। इस वे शेख अहमद सरहदी अरबी जी का नाम है मुजद्दद अलफसानी उन्हें शेख अहमद बुखारी 73 चिट्ठियां लिखियां जिहड़ियां 73 दियां 73 चिट्ठियां अज भी लिबनान की यूनिवर्सिटी में पईआं ने। मातू बाते मुख्तार जिन्हां का नाम है उहदे विच हुण शेख अहमद बुखारी कौन है जिन्हों इतिहास में आप सुनते हो मुर्तजा खान सुने भी गुरु अर्जन देव पातशाह जी का परिवार बाल बच्चा मुर्तजा खान के हवाले किया जाए गवर्नर से उस वेले 73 दियां 73 चिट्ठियां सतगुरां के विरुद्ध ने भी इन्होंने सखी सरवर मत नूं ढा लाई है ते आप समय का बादशाह जहांगीर अपनी हथली पुस्तक लिखता है ऑटोबायोग्राफी उसने जिक्र किया है कहता मैं गुरु अर्जन देव पातशाह जी के तवसब तो हैरान हाँ वो शब्दावली है साढ़े ते सतगुरु एक हिंदुआ का पीर गोइंदवाल के किनारे खुद को रब कहता है जी बेटा हिंदू चढ़े सिख चढ़े ते मुसलमान भी अज उहदे मगर लग उहनूं गुरु मान रहे सानूं खतरा है गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे प्रचार दा सच्चे नाम दा खतरा सी शहादत दा कारण इह है चंदू नहीं है चंदू ते अपराधी है उह ते वग दी गल्लां च हाथ धो रिहा बंदा क्योंकि सिखी दा प्रचार ते प्रसार गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने ऐसा कीता समय दे इस्लाम नूं एड्डी वड्डी ढाल लग गई साईं मियां वीर जो समय के बादशाह के कोल सामने बैठता सी फकीर इस्लाम छड़ के गुरु अर्जन देव पातशाह जी का नवाणा सेवक हो गया सतनाम वाहेगुरु खबरां क्यों ना सत दा इश्क बन गया पुजारी बन गया उन्हां समयां दे विच जहांगीर बादशाह बड़ा परेशान अपना पुत खुसरो बगावत करता हुण खुसरो कौन है जहांगीर का पुत्र है इन राज क्यों नहीं देना चाहता यह राजपूत हिंदू राजे मान सिंह की जोड़ा राजा सी भैन की कुखों हो भी चलिया लाहौर की तरफ जो पता लग्या भी पिता का विरोध चल रहा भी लाहौर के किले को एक बार हथियार अपने प्यो के विरुद्ध जंग छेड़ दें पर जाद्या इतिहास के वखरेवे कई लिखिया गुरु अर्जन देव पातशाह जी नाल मुलाकात की मत्था टेकिया प्रशादा छकिया तरन तारण साहब की धरती से कई लिखिया उन्होंने दिनों च सतगुरु अमृतसर की धरती से सी गुरु अर्जन देव पातशाह जी के नाल मुलाकात नहीं हुई पर आम तौर पर तुसी सुनते आ रहे सुनाया की जाता है कि सतगुरां नूं जुर्माना लग गया 1,00,000 रुपये का मर्द ने भरिया नहीं पहला इतिहास पढ़ के दसो जुर्माना लग्या की भरिया की आम इतिहास सुनाया जाता है सतगुरां नूं गऊ दे खल च मड़ना चाहते सी ये भी पढ़ के आओ पहला गऊ दे चल च की मड़ना चाहते कौन सी गुरु साहब दीन दुनिया के मालिक गुरु अर्जन देव पातशाह जानते सी समय का बादशाह तुझ के जहांगीरी विच आप लिखता है एक अर्जन नामी पीर गुरु नानक की गद्दी पर बैठा है जिहदे प्रचार तो साडे इस्लाम को खतरा है होर धर्मां नूं खतरा है वह सच दी दुकान नूं झूठ दी दुकान दसदा है कहिंदा मैं इह तवश्शब दे विच गुरु अर्जन देव पातशाह नूं किसे गाहे बगाहे बहाने नाल गिरफ्तार करना चाहना यही कारण सी खुसरो दे बागी होण दा इल्ज़ाम भी गुरु घर ते पाया गया सी पर गुरु घर नूं कोई फर्क नहीं है दरियावी घर नहीं है कोई गुरु अर्जन देव महाराज बैठे है उस समय दौरान
सतगुरां दे भरा बाबा प्रीति चंद अडिशनल कारण ना ते चंदू पापी सतगुरां दी शहादत दा कारण ते ना प्रीति चंद इह सह कारण कह लो सहारे उलांभे शैतान केस ये नहीं ने शहादत कोई दुनियावी कम्मा पिछे मर्द ने शहादत नहीं दिती ये ते गुरु साहब दी शहादत नूं असीं छोटा कर दिंदे दीव दुनिया के मालिक गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठण तो पहला सब जानते हैं सब कुछ सतगुरां ने सिखां नूं दस दिता सी ते सतगुरां ते ये भी इल्जाम लाए गए इन्हां ने इस्लाम की बाणी नहीं लिखी इस्लाम की गुरुता की भी तो की बाणी जी खैरवादी हुण दीव दुनिया के पातशाह अपने आनंद च रहिंदे इसे समय दौरान जहांगीर बादशाह का एक उसारी जो अकबर का मित्र जिन्हों आप बीरबल के नाम नाल जानते दुनिया का सब तो नीच से घटिया बंदा सी बीरबल जिन्हों अज के साडे बच्चे कार्टून के रूप से वेख रहे हैं बीरबल के किसी की नहीं पता कौन है पर ये वो इंसान है जो गुरु अर्जन देव पातशाह एक धमकी दे के आया सी कहिंदा मैनू अफगान तो मुड़ के आ जाण दे ते मैं दसांगा मैं लवाऊंगा दीदी हस पे सी बादशाह कहिंदे जा रहा मुड़ के नहीं आया काबल के गिरजिआं नाल जंग हो गया नौकरी मारता जिहदा नाम सी महेश भट्ट जो समय के बादशाह अकबर नूं दाज विच मिलिया सी काला तंबू सी बीरबल नाम रखिया जिहदे किस्से आप पढ़े जाते लोग सुनाते हैं अकबर बीरबल पर दुनिया का सब तो नीच ते घटिया बंदा सी जिहनूं सिखां दे बच्चे एक बहुत वड्डी पेशकारी कह के दसदे बहुत घटिया इंसान सी गुरु घर के विरुद्ध इन्हें जिन्ना जहर बोलिया शायद किसी ने नहीं बोलिया ये तो डांगा चक्की फरदा सी कहिंदा गुरु घर वाले नूं अकल मैं सिखां ये भी हो गया जो सतगुरां ने धुर की बाणी लिखी ताना छजू पीरू यो भगत सी जिहड़े अपने आप नूं भगत कहाउंदे सी शाह हुसैन वर्गे इन्हां ने भी जाके लाहौर दरबार विच गुरु अर्जन देव पातशाह जी के विरुद्ध रिट दायर की भी साडी बाणी मर्द ने नहीं लिखी उन्होंने इस्लाम के विरुद्ध लिखी है हुण जिहड़ा ताना है भगत उदे चाचे का मुंडा सी चंदू पापी चंदू दीवान क्योंकि ताना भी खतर है उन्हें अपने भरा की बेइज्जती वेख बदला लैण की मन च ठाणी हुई सी वेखो कलाइया कितों कितों जुड़ रही आगे सारा सिस्टम ही कारण सी दाल की गल थी सब कुछ ही कारण सी पर दीन दुनिया के मालिक सब को जानते चल की रहा फिर कोई परवाह नहीं जो होना वही गजा होना वो भाने च सतगुरां दे भरा बाबा प्रीति चंद उन्हें मारन दीआं कोशिशां बड़ियां कीतीआं गुरगद्दी दे पिछे तुसीं सारा जाणदे हो मैं बहुता विस्तार उस पासे नहीं करदा क्योंकि आम सुणदे प्रीति चंद ने एक तो एक कोशिश कीती सुलह ही खां बुलाया मारिया गया भट्ठे च सड़ गया सुलभी खां आया जलंधर किसे पठान नाल पंगा लै लिया उन्हें गाटां दा नहीं पहुंचे फिर वो मुलाकात होती चंदू ने चंदू तो पहले गल प्या करता पहले बहाना लगता गुरु घर के विरुद्ध वो सोचता सी जा मेरी धी का रिश्ता हो जाए तो जा फिर इन्हों जो मैं करूँ दुनिया जमाना जा गल अंदर अंदर सुड़ रही क्योंकि प्रीति चंद की शह वो प्रीति चंद भी खतरी चंदू दीवान भी खतरी जिदन अपने बेगानिया के हक च जाके बैठन लग जा बंदा किसी जुगा नहीं बाबा प्रीति चंद गुरु घर के विरुद्ध गया पर गुरु घर में कोई फर्क जा नहीं पिया यह भी दिल्ली दरबार जाके रोया मेरा भरा मेरे विरुद्ध है मेरा सारा कुछ गुरगद्दी तो लेके सब कुछ खोलिया पर समय की हुकूमत कुछ ना कर सकी सुल ही गया सुलभी गया सब लंघते बड़े तुर गए दुनिया प्रीति चंद रोंदा फिरदा किवें ना किवें मैं सतगुरां नूं मरवा देआं ते कदी ते मैं ये दरिया भी गल
ਕਿਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਉੱਥੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਲਕ ਸਾਧਕ ਸੋਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਦ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਐਸੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ 73 ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਖਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਆਖਣ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਣ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਖੱਤ ਭੇਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚੁਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੱਤ ਬਚਨ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਉਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟਹਿਲਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਜੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀਆ ਜੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਿਆ
हाथ पैर बंधे हुए ते गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने पिंजरे च बिठाया। चलू आया कोई क्योंकि उन्हें कस्टडी लैनी सब पंजाबी पद्धर से जो किसी बंदे का रिमांड हो गए कोई भी लै सकता है शेंशन करा सकता रिमांड में भी ये जिम्मेदारी साड़ी है कोई भी अपनी खिड़ कर सकता। मुर्तजा खां ने कस्टडी लैके दीवान चलू दे दी भी तू भी भाई अपना उल्लू सिद्धा कर ला दे। गुरु अर्जन देव पातशाह कैद च बैठे है बेपरवाह बैठे है चेहरे च उही रंगत है उही लाली है। इथे समय के बादशाह ने एक धारा लाती जिहड़ी बहुत खतरनाक सी जिहदा नाम सी सियासत बाबा एरिया शाह। इस धारा दे विच इस दंडावली दे अंदर यह आउंदा है कि जिस मनुख नूं सजा दे रहे हो ना उहदे खून की एक बूंद भी धरती ते निकलनी चाहीदी। क्यों? क्योंकि धर्म कहिंदा जद गुरु दा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी। रंगियां नाल खोपर लै जांदे तस्वीर बदलदी कौमां दी। जद किसे शहीद ब्रह्म ज्ञानी दा खून धरती ते डिगे उहदे नाल कौमां उठ पैंदियां। हुण ये सियासत बाबा ये याशा गुरु अर्जन देव पातशाह जी ते क्यों लाई गई? मखतूबा ते इमाम दे विच 73 चिट्ठियां दे विच जिक्र कीता गया सखी सरवर मत दा। वो की है जिन्हां दा वडेरा 1120 विच अजकल दा लहिंदा पंजाब उत्थे है जिहदा अस्थान है डेरा गाजी खां जिन्हूं निगाहे वाला पीर ते निगाह पिंड अब पिंडा दी अपनियां मत्थे टेक दियां फिरदियां पता ही नहीं कौन है ते लाला वाला पीर है लख दा है ये कौन है पता ही नहीं। इतिहास पढ़ के वे करतूतां पढ़ के वे लहिंदे पंजाब दे विच लाला वाला पीर नगाहे वाला कदे भी नहीं आया डेरा गाजी खां वाला पर इहदी हर पिंड च कबर है लख दा ते इह तों वध गिरावट की हो सकदी पंजाब दी गुरुआं पीरां दी करी। इहदी थां ते होया शेख खत्ता शेख उही है जिहड़ा तरन तरन के कोल थां बणिया जिस शेख फतेह की दरगाह ते अज भी खीरा चढ़दियां ते कुत्तियां नूं खा खा गुरत पई हुई है ते पिंडां दे लोकां दा हाल की है कहिंदे कि दुद्ध चढ़ावांगे तां कदे डेनमार्क दियां गावां मझां नॉर्वे दियां पता करो उत्थे कहिंदा शेख फतेह कौन दुद्ध चढ़दा वेले दा पर सोहणा कम चल सब तों वध सिख सरदार मिलणगे गात्रे पाए दुद्ध चढ़ाउंदे फिरदे पीरां ते कदे पढ़ो ते सही इहनां दा काम की सी। गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं शहीद करन पिछे सखी सरवर मत शेख फत्ता लाला वाला पीर इहदा जिन्ना प्रापोगंडा सी इहदी लाइन दा इहदे धर्म दा इह जिम्मेवार ने आखो सतनाम इह लख लाहनत उहनां सिखां दे जिहड़े इहनां दीआं पापियां दीआं कबरां ते दुद्ध चढ़ाउंदे फिरदे जिन्हां गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीद करन च कोई कसर ना छड़ी ते जिहनूं इस गल दा पता लगे उह मत्था टेक लू। तुहाडे प्यो नूं किसी ने गोली मार के मारिया होवे ते तुहानूं बाद चों पता लगे कि जिहनूं मैं मत्था टेकण पैरी हत्थ लाउण गया ते उह बंदा है लाउणे दा गया खून खौल जाणा है। तरन तारण साहिब सरोवर जदों सतगुरां ने बणाया सी ना उस तों बाद नूरदीन होया मैं शॉर्ट कर उन्हें की किया तरन तारण साहब सरोवर दियाँ जा सारिया इटा पट के ना शेख फतेह की दरगाह से ला दी। उहदा पुत्तर सी अमानत खां जिहदे नां ते सराए अमानत खां पिंड वसदा है। इहदे जदों गुरु के खालसा नूं पता लग्या जदों सिख राज आया उन्हां सारिया दियां सारिया इटा उत्थों पट्टियां ते जाके फिर लाइया दरबार साहब तरन तारण साहब सुनो तो सही है ना की कुछ किया क्योंकि तरन तारण साहब बहुत वड्डा तीर्थ सी जिहड़ा नित इन्हां लोकां नूं चुभदा सी सखी सरवर मत डामाडोल हो गया क्योंकि सारे सिख बन गए उन्हां चों कंग पई दा रहण वाला भाई मंझ सब तों पहला सिख सजिया जिहदे नाल लखां लोक गुरु घर नाल आ गए सतनाम जुड़ गए। इधर शेख फतेह दे जिहड़े बंदे सी उन्हां दा मेन रोटी शेख अहमद सरहदी जिहने 73 दीआं 73 चिट्ठियां गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे विरुद्ध जहांगीर बादशाह नूं भेजियां लाहौर दे सूबे नूं भेजियां जिन्हां ते वर्कआउट कीता गया अंदर खाते फिर एक धारा तैयार की थी कि जी धारा बहुत पुरानी है सन 1256 तैयार की सुनी जाए
एक मुगलों का राजा होया जिन्हों आम अंग्रेजी वाले चंगेज खान, तर्किश वाले चंगेज खान, तो पंजाबी विच जिहदा नाम है चंगेज खान मुगल, जिहदी वंश तों तैमूर होया, जिहदी वंश विचों फिर बाबर अकबर ये सारे होए, इन्हों मुगल कहिंदे आ। सतगुरां दी मुगलां दी जड़ पट्टी मुसलमानां दी थोड़ा पट्टी सी, जे मुसलमानां दी जड़ पट्टी हुंदी गुरु करगीधर पातशाह ने ते मलेरकोटले जमा से सिंह साहब क्यों बंदे हो ना गंगा सागर क्यों ढेडा करते मुगलां दी। मुगल कौन ने? मुगलियां दा एक कबीला सी जिन्हां नूं शैमियन लोग आखदे हन। वो कबीला कित्थे? रशिया, कजाकिस्तान ते चाइना दे विचकार एक इलाका सी जिहनूं मंगोलिया कहिंदे सी, मंगोल दा इलाका। मंगोल के कबीले के लोग जिन्हों का नाम मुगल सी, चंगेज खान, चंगेज खान इधर की धरती वाल आया, इन्हें अपने इलाके एक धारा बनाई सी बहुत वड्डी कि किसी ब्रह्म ज्ञानी धार्मिक बंदे मारना हो, क्योंकि लोग भूतां प्रेतों बड़ा यकीन करते कबीले के लोग ने। अब भी कबीलिया जाओ भावे नागालैंड के कबीले आ, जाओ साडे इस भारत देश के कबीले आ, जाओ नेपाल के कबीले ने, जा अफरीका के, लोग नचते हैं भूतों प्रेतों में विश्वास रखते हैं। हूँ जेडे उन्होंने पुजारी ने उन्होंने नाम होंगे विकी, वो कहते यार आम बंदा गलती करता सी सजा देने जो विकी गलती करे कहते ऐसी सजा दो इन्हों का खून धरती दे। उस वक्त के धार्मिक लोगों को मारने वास्ते शैमियन लोगों ने मुगलों ने एक धारा बनाई जी की किताब लिखी गई संगेज खान के नाम से, भी किसी भी ब्रह्म ज्ञानी को मारना है वह खून धरती से डुलना नहीं चाहिए, ना वह गल वटो ना वह शरीर वटो, बस खून साड़ दो किसी तरीके का। वह धारा लाई गई सी गुरु अर्जन देव पातशाह जी के उत्ते चंगेज खान की बनाई हुई 1256 के गुरु साहब से लगी सियासत बाबा याशा धारा का नाम है। तो यह धारा अकबर बादशाह ने बड़ी भर्ती है, ज्ञानी ज्ञान सिंह नूं पढ़ोगे ता तवारी गुरु खालसा पढ़ोगे उन्हें थोड़े थोड़े जिक्र की। इसे करके औरंगजेब का नाम सी गोद चबगता चंगेज खान तो चलिया चंगेज खान तो, बड़िया गहरिया गल् है ता पता लगता सतगुरां की शहादत की है। हूँ गुरु अर्जन देव मर्द सारा कुछ जाड़ते सतगुरां ते धारा ला दी गई भी इन्हों इस तरीके मारो इस तरीके तड़फाओ इन्हों का खून धरती से डुले ना तो कोई याद करे किसी ने मारे आ गया कतल नहीं होया। सत शहीदा के सरकार क्यों आख्या गया इन्हों तो पहला गुरु अर्जन देव पातशाह जी तो पहला भी सिख धर्म के शहीद होए ने गुरु नानक साहब के सिख भाई तारू गोबर उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं सी जिंदगी जो गुरु अर्जन देव पातशाह जी को जिंदगी जीवन इस्लाम को धारण करना ऑप्शन पर उन्होंने सिलेक्ट नहीं उन्होंने मौत को कबूलिया है। इस करके शहीदा के सरताज हैं शहीद शब्द अरबी का शब्द है पर बड़ी ताजुकता की गल है इस्लाम के लोग अरबी पढ़ते हैं कुरान शरीफ अरबी के विच है पर एक बार भी शहीद शब्द अरबी भाषा का कुरान शरीफ च नहीं आया। हाँ ये शब्द आया शहादत कलमा शहादत शहादत का भाव की हूँ गवाही जिमें पुलिस वाले भी राम कहते उन्होंने बोली कहते शहादत पर चले हाँ गवाही पर चले पेशी पर चले शहीद उन्होंने आखते हैं जो धरती से होए जुलम के विरुद्ध रब के सामने तन के आखे इन्होंने जुलम की जड़ पट्टन वास्ते मैं आप इसे करके गुरु अर्जन देव पातशाह ने शहीदा के सरदार कहते हैं शहीद पहला भी बहुत होते रहे जिन्हों को जिंदगी जीवन की ऑप्शन सी क्या सी महाराज इस्लाम कबूल कर लो बड़े बड़े रुतबे मिलेंगे सब कुछ प्राप्त होएगा मर्द कहते नहीं तुम अपना तो चंदू अपना गुरु सदा करू फिरता कहता मर्ज मैं कोई ना जैक लाऊंगा जी तुम मेरी धी का नाता स्वीकार करो जो तो मेरी रिश्तेदारी बन गई तो मैं आपे बचा लूंगा ना सी वगती गंगा के हाथ धोला हो सकता मर्द दुख वे घबरा जान मन जान कबूल जान नहीं हूँ सियासत बाबा याशा की धारा चल रही है
लगाई सखी सरवर मत वालिया ने 73 चिट्ठियां पाके मुर्तजा खां के हवाले आ गए। ये लोग से मुगलों तो चले हुए, मुगल मुसलमान नहीं, बाद चो बने मुगल दे, बाद चो इस्लाम कबूल किया इन्होंने, बड़िया थावां ते कब्जे किए लड़ाइया गुरु अर्जन दे बाद पहले तक सतगुरां सजा सुनाई गई। 20 मई नूं सतगुरां नूं गिरफ्तार किया गया। 20 मई एक रात तो बाद 21 वाले दिन वर्ण आखिया आओ जाके मन जाओ जा फिर आप पानी उबलता ही बह लो, फट के सतगुरां नूं सुट्टन लगे। मर्द कहिंदे नहीं असीं आप ही बैठांगे, पानी उबलदा सी विच सुट्टिया आलू भी छिलका छड़ गए। पहले दिन गुरु अर्जन देव पातशाह आप उठे ने, सिखां ने रौला पाया पातशाह ना जायो, भाई पुराना भाई जेठा भाई विधिया भाई लगाहा रोए पातशाह ना करो। मर्द कहते आनंद च रहो भाई, वाहगुरु करो, यह मैं चंगा वधिया नहीं। आप सच्चे पातशाह उठे ने, उबलती देग विच बैठे चौकड़ा ला के पानी उबलदा रहा, आलू वांग शरीर दे नालो स्किन दूर हो गई, फलूफे बन गए, आखिरकार शरीर अग दियां राड़ां वांग दबन लग पिया। जलादा ने गुरु पातशाह नूं मोढ़िआं तों फड़ के मार लिया, सुज चुकिआ शरीर, खून चूसिआ गया, हड्डियां दिसदियां ने, अज दी रात मर्द बैठे आ, ना भुख ना प्यास, तन ते चादर लई, उह सारे फलूए बण बण के सकिन उबल उबल के चादर बणी पई खूना। सवेर हुंदिआं फेर आ पर मर्द के रंग च कोई भंग नहीं पिया, उन्हों का आनंद खराब नहीं होया, वो असी तो सीधा तत्ती तवी से बिठा के काम निबड़ता ही पढ़ो तो सही क्या हूँ। जो साढ़े कित चाह डुल जे पानी डुल जे सानू पता है दो दिन साढ़े हाथ से की बीतती है, जिन्हों का शरीर आलू वांग उबले है कहा दर्द होवान की अपने आनंद च बैठे से डोले नहीं गुरु पातशाह। कहते सवेर का वेला होया चलू फिर आया, कहता महाराज वेख लो अजे भी मौका है जिंदगी बचाने का, क्यों जान गवा रहे हो। सतगुरु कहते नहीं, कहता जी रिश्ता मर्द भुल जा, कहता इदा करो फिर सियासत बाबा याशा के मुताबिक सतगुरां नूं सजा सुनाई जा रही, खून ना रह जाए शरीर च कि डुल जाए तां रेत पाई दे, रेता कूड़े बाल बाल के कई कवंटल लकड़ा साड़ साड़ के रेत पाया, वेखो हवा कि चलती कर किहोजा दुपहर सत है इसी जी गल की। मर्द के कोल आए कहते सतगुरु आओ लै चलिए, एक पास आ गला मान लो एक पास आ, मर्द कहते नहीं लजाउण की लोड़ नहीं आप चलना। सतगुरां के अक्ष बहुत सोहनी माड़ा सी चिट्टे रंग की कुल नहीं बनी, गुरु अर्जन देव पातशाह जी वह माड़ा जप रहे ने दिन रात, लैके माड़ा सतगुरु चल रहे। सिखा ने बड़ी कोशिश की पातशाह ना करो, इतों तक कहता पातशाह और तपते उबलते रेत ते असी पै जाने साढ़े उत्ते बह रहे हो। मर्द कहते नहीं वेखो रंग करतार दे आखो सतनाम, ऑप्शन सी जिंदगी बचाने की नहीं बचाई, शहादत की नूं कहते सुनो। मर्द बैठे तपदी रेत लाल सुरख अग नाल रेत उबलती पानी वांग, इस रेते ते गुरु अर्जन दे मर्द ला के चमकड़ा बैठ गए, वाहिगुरु वाहिगुरु रसना तो आखदे आ। उदो शब्द पढ़िया सी तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नाच, जलाद ने तपदा रेत भरिया करछा सतगुरां दे सीस पा दित्ता। कहिंदे जिथे जिथे तपदी रेत पैंदी सी बस चमड़ी उबड़दी जांदी है, शरीर दा चम सड़दा जांदा है, कहिंदे सड़ सड़ के धुआं निकलण लग पिया सी। कुछ घंटे तपते दोपहर में सतगुरां नूं तत्ती रेत ते बिठाया, आखिरकार जलादा ने कपड़िया नाल शरीर फड़िया, इन्ना भांबड़ मचाया सी एडे तपते शरीर विच भी मेरे गुरु अर्जन दे ठंडे पानी वांग शांत सी आखो सतनाम। इसी करो गया कहिंदे अज दी रात होई समां बहुत मिल गया, जदों चंदू दी नूं पता लग्गा गुरु अर्जन देव पातशाह इतने, क्योंकि उस वेले संगतां नूं पता नहीं लगता बाबा बुढ़ा जी संगतां किले दे आले दुआले घूमदियां चलियां जांदियां, मर्द कित्थे गए पता ही नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रही किसे नूं की हो रहा। यह सब गुप्त तरीके नाल होया लाहौर दे विच
रात वेले गहने वेच जल्दी गड़ भी रहेगी है रोई मन का रूप ले सच्चे पातशाह ये की हो गया तीन दुनिया के मालिक सतगुरु ने कहा कि ये मेरा रूप नहीं ना देखा सारे आसी श्री सा रूया ना भर गया तप दे रेत ने चमड़ी साड़ साड़ सुखा देती है पातशाह जल ग्रहण करो मर्द कहते नहीं दोस्त दे कर रोई मर्द मैं जीना नहीं चाहती मैं की करा सिख की धी होके अपने सतगुर का आ हाल मैं वेख्या मर्द मेरू नाल लै जाओ वचन किया सतगुरां ने कहते धीए कोई गल नहीं करे जा चलना ना जावे तेन आवाज दे के लै जाओगे आखो सतनाम सचखंड चला अगला दिन होया चंदू पापी फिर आ गया कहना की गल गुरु अर्जन देव अजे माता टिकाने नहीं आ हस पे बच खेदे तू जो करना कर लै कहना नहीं बड़े दुख तुसी झल ले अजे भी तुहाडे कोल वक्त है जे नहीं मनोगे तप दी तवी नूं सार साड़ के बिठावांगे मर्द कहते आ भी कर ला कि तेरे दिल च ना रह जाए आखो सतनाम तभी तबाही गई लकड़ा ला ला के कोले ला ला के जलादा ने बहुत बड़ा तवा है चंगी तरह कहते जो वैल लाल हो गया ना लोहा पिघलन वाला सतगुरा तो उठा नहीं सी कहते आओ चलो मर उठ के गुरु पाछ जलाद के मुंडे का सहारा लिया सतगुरा ने अपना सजा चरण तत्ती तवी दे रख पहला चरण रखिया चरण चरण करके मां सड़िया मार चापना सतगुरु बह गए जब इस गल का पता लग्या साईं मियां मीर भजे आए आखन लगे पातशाह आ की करता नहीं वेखिया जाता हुक्म करो दिल्ली ते लाहौर दी टिकट ला दिया तभी शांत कर दिया मर्द कहते नहीं साईं मीर मियां मीर तू ही एक दिन गुरबाणी का सवाल किया पूछया सी मर्द ये की लिखे आ तप तमाहे ठांड वरताई अर्ध भया दुख नाठे भाई मर्द कहते उदो तेनू जवाब नहीं सी दिता उदा मतलब अज वे तवी तपदी जलाद तपद चंदू तपद वक्त तपदा है शरीर तपद पर असी इस पक्ष विच भी ठंडे बैठे हाँ सतनाम भा निकल गई सी सानू चमड़ी सड़ गई सी तांबे वाग हड्डियां पीड़ियां पीड़ियां ना आखिरकार डेढ़ घंटे बाद सतगुरां नूं तत्ती तवी तो उतारिया बस हो गई सी तुरिया नहीं जाता शाम का वेला हो अज दी शाम 23 तरीक दो तीन दिन तो सतगुरां इशनान नहीं सी हालात नहीं सी चंदू ने बड़ी चलाकी ना आखिया कहता मर्द इशनान करना होना सतगुरु कहते हाँ वो जानता सी कि रावी च ठंडा पानी बर्फ जिहा आ रहा है शरीर सतगुरु का तपया पे है जब ठंडे पानी च बैठणगे तो जान निकलूगी जीता निकलूगी हाथ सड़िया हो ठंडा पानी पाइए जान कढ़दा है उत्थे ते तीन दिन तसीहे चले पहले दिन पानी च उबालिया दूजे दिन रेते च साड़िया तीजे दिन तवी ते उठाया हुण गुरु अर्जन देव पातशाह दुनिया नूं सहारा देण वाले उठिया नहीं जांदा सतगुरां दे प्यारे सिखां ने भाई प्राणा ते भाई लगाहा जी ने गुरु अर्जन देव वर्ग नूं मोढ़ियां दा सहारा दिता किले की पिछली ताकी खोली गई जुराबी दे किनारे कहिंदे मर्द इशनान करिए गुरु पातशाह सिख रो रहे तपदा सिख फलूहे पए आ खून सड़ चुकिया शरीर चों चेहरे ते भी इदां जिवें धुआं लग्गिया होवे कैसा समां पर अंदरों ऐसे अडोल ले जिवें गुरगद्दी ते बैठे सी तां तपदी तवी ते बैठे रावी दे किनारे पातशाह आए चुभी लाई सपाही खड़े वेखदे वी हाहाकार मचाउणगे जदों पाणी विच वड़नगे पर सतगुरां ने चुभी लाई वाहिगुरू आखिया जप जी का जाप जल विच खड़ के कीता आखो सतनाम इन्हें नूं सिख पहुंच गए मर्द ने हुकम कीता सिखो अंतम समा नेड़े आ गया गुरु हरगोबिंद पातशाह ने वचन कह दियो तख्त साजन मीरी पीरी दियां किरपानां पहनण गुरगद्दी ते बैठ संगत नूं संभालण
सच के राह से चलण से कूड़ नूं कट दे। इहदे वचन कह के जपजी का जाप करके कीर्तन 16 पढ़ के गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने लम्या पै के चादर लैके रावी के किनारे शरीर छटिया, उस थां ते सतगुरां दे पावन तन का संस्कार किया गया। अस जल च बहार हो गए। जो इस गल का संगतान पता लग्या हाहाकार मची, गुरु नानक साहिब जी ने लिखा सी ना, लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर अमृतसर सिद्धि ना। लाहौर दे विच कहर वापरिया पर गुरु अर्जन देव पातशाह जी हसते हसते मुस्कुराते मुस्कुराते शहादत जाम पी गए। वो फिर समय दियां सरकारां ते हुकूमतां डर गईयां। जहांगीर बादशाह जदों आया डर गया भी बहुत वड्डा अपराध हो गया। अंदर दी ईरखा सी, अंदर दा तोशब सी, अंदर दा जनून सी, पर उस जनून विच बड़े कारण सहाई हो शहादत दे। तत्तियां तवियां ते सतगुरु बह के किहदे लई, तुरकी बाणी दे सरदार लई आखो सतनाम। इस बाणी तों सानूं बख्शिश ते असीं ते बाणी को बड़ा सौखा बना रखे। पढ़ती नींदा की सौ इस बाणी विच सिफत निरंकार की लिखी ते गाई, किसी पीर पैगंबर औली अवतार की सिफत मर्द ने नहीं लिखी। उत्थे सैकड़े कारण बन गए गुरु अर्जन देव पातशाह जी की शहादत के। असल में सच की पीड़ होंगी सी मुगलों पर सच छुपया नहीं। वो सच गुरु हरगोबिंद साहब जी के रूप में श्री अकाल पुरख ते प्रगट हो गया। खो सतनाम। फिर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने चंदू नूं कड़ी साया। क्यों पाया? ठीक है, चंदू का कोई बहुता वड्डा रोल नहीं सी, पर पाप ते सब तो वड्डा उसे नहीं किया। जुल्म ते उहने ढाया ना, ते जुल्म ढाउण वाले नूं सजा दित्ती। उहना लाहौर दीआं गलियां च कुत्ते दी मौत ते मारिया, नत्त विच रस्सी पा के घड़ीसिया दा तेल पा के, जिन्हां गलियां दा कदे राजा हुंदा सी आखो सतनाम। हाथी दे पैर लभण के घड़ीसिया चंदू पा के, ते समें दा बादशाह जहांगीर डर गया सी। फिर उन्हें गुरु हरगोबिंद पातशाह ने शर्म लगी, पर मेरे सतगुरां ने वैर नहीं जताया। जिवे कलगी धरती ने औरंगजेब के पुत्र नूं राज देता, इह तां नहीं सोचिया कि मेरे पुत्र मार दे छा तेरे प्यो नहीं गुरु दा दे जिहड़ा गुरु अर्जन दे नाल शहादत दा जाम कीता। ऐसी शहादत जग ते किते नहीं, ऐसे शहीदां नूं सदा ही प्रणाम। सानूं माण है साडे सतगुरु वी शहीद ने। आखो सतनाम। शहीदां दी कौम है सरकार ने शहीदां बादशाह शहीदां ते जिन्हां ने इह रीत चला के विखाई, हमरे पंथ रीत इह आई, सीस दिया पर सिर ना जाई। सिर कदी छड्या? तां छड्ड दित्ता। डरे नहीं किसे, झुके नहीं किसे अगे। समें दीआं हुकूमतां डर गईआं। ऐसे सतगुरां दी शहादत नूं बार 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 करोड़ां बार नमस्कार वंदना। इस बाणी की सुचमता लई सतगुरां ने शहादत दिती, इस सिखी लई सच लई, ते सानूं कोशिश करनी चाहीदी बाणी का सत्कार करिए, बाणी पढ़िए, जीवन च वसाइए, बच्चियां नूं पढ़ाइए। सतगुरां की शहादत ते जुड़ियां सारियां सन अरदास करिया गुरु पातशाह साडे जीवन च बाणी का सिर बना जाए, असीं भी जुड़ गए गुरु दे नाल। अज ये शहादत का देना कि होर गुरु नहीं है, गुरपुरब का अर्थ होंदा खुशियां, शहीदी जवान है। गुरपुरब उन्होंने कहते हैं जो गुरगद्दी दिवस हो जा प्रकाश हो होंगे पुरब, ये दिहाड़े ने शहीदी दे। ऐसे सतगुरां नूं बारंबार बारंबार कोट बार करना, सतगुरां की शहादत नूं बार बार नमस्कार।